watching Mrs. Rekha Soni and today I am going to teach you English. Students, आज मैं आपको English का chapter number 3 दरवाने जा रही हूँ, Never Count, जो कि page number 27 पर है. तो please आप अपने book का page number 27 open कीजिए. Yes, you can see in the book chapter 3, Never Count, कभी भी नहीं. देखो, let's read. Jane was a simple village girl who lived in a thatched house with her mother. They had a family cow, the only means of livelihood for the mother as well as the daughter. अब देखो, जेन कौन थी? एक गांव की साधारण लड़की थी. वो किसके साथ रहती थी? अपनी माँ के साथ एक फूस के घर में रहती थी. उनके पास एक पारिवारिक गाय थी, जो कि क्या था उसके लिए और उसकी माँ के लिए क्या था? आजीविका का एक साधन था, क्योंकि वह उस गाय का क्या दूध निकाल के और वो क्या करती थी, मार्केट में बेचती थी और उन पैसों से वो घर का अपना जो खर्चा निकालती थी. यस, वन डे द मदर सेड द जेन सेड टू द जेन मिल्क द काउ अर्ली एंड सेल द होल मिल्क इन द मार्केट विद द प्राइस ऑफ यू गेट यू आर फ्री टू बाय एनीथिंग यू विश. द डॉटर लॉस्ट नो टाइम इन डूइंग द जॉब. देखो, जो उसकी माँ थी उसने जेन से क्या कहा कि तुम सुबह इसका जल्दी उठकर दूध निकाल लेना और जो दूध इसका निकले ना उसको फिर तुम बाजार में जाकर बेच देना और उन पैसों से जो तुम्हारी मर्जी हो ना तुम उससे वो कोई भी चीज़ खरीद लेना. ठीक है, तो वो क्या थी, द डॉटर लॉस्ट नो टाइम. और लड़की ने क्या किया, अपना समय क्या नहीं किया, बर्बाद नहीं किया और अपनी जॉब में लग गई. यस, पेज नंबर 48. एंड फिल्ड हर पिचर विद द मिल्क. और अपना घड़ा किससे भर लिया? मिल्क से भर लिया. शी केप्ट इट ऑन हर हेड्स एंड स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड द मार्केट. उसने उस घड़े को अपने सिर पर रखा और बाजार की ओर चल दी. शी गॉट हरसेल्फ इन्वॉल्वड इन डे ड्रीमिंग ऑन हर वे. उसने क्या किया कि जो सुबह के समय में क्या था, सपना लेना शुरू कर दिया. बिफोर द मनी हैड एक्चुअली कम टू हर she started making a list of the items she would spend it on. कि जैसे ही धन उसके पास आता तो वो क्या कर रही थी, उसने एक लिस्ट बना ली. मतलब सपने में अपना जो मतलब उसने सोच रही थी कि वो सपना ले रही थी कि अगर मेरे पास पैसे आ गए ना तो इन पैसों से मैं क्या करूँगी. तो वो उससे पहले कि पैसे उसके पास आते हैं उसने क्या किया, एक लिस्ट बनानी शुरू कर दी जो सामान उसने खरीदना था. आई एम श्योर आई नो वट आई एम गोइंग टू डू विद ऑल माई मनी शी सेड शी टू हरसेल्फ. उसने क्या कहा, मुझे पता है कि मुझे इन पैसों का कहाँ मतलब उपयोग करना है, कहाँ इन पैसों को मुझे लगाना है. वो अपने आप से कह रही थी, आई विल गेट ए हैन विच विल सून ले एग्स. मैं एक हैन को मतलब करूँगी, लूँगी एक हैन को लूँगी और उस कौन सी हैन को लूँगी, जो अंडे देती हो. लिटल चिक्स वुड कम आउट ऑफ देम. जिनके मतलब छोटे छोटे क्या होंगे, चूजे होंगे. मीन्स मतलब मुर्गी होगी, वो अंडा देंगे, अंडे में से क्या निकलेंगे, चूजे निकलेंगे. आफ्टर सेलिंग द चिक्स, और मैं क्या करूँगी उन चिक्स को बेचूंगी. जब मैं बेचूंगी आई शुड बी गेटिंग ए लॉट ऑफ मनी. फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, बहुत सारा मुझे इनके लिए मुझे क्या है, बहुत सारा धन चाहिए. हाय शी वाज स्टिल बिल्डिंग कैसल इन द एयर. उसने क्या किया, सपने में इमारतें मीन्स महल बनाना शुरू कर दिया. जेन मेट हर फ्रेंड. जेन किससे मिली, अपनी फ्रेंड से मिली. अनेबल टू हाइड हर फ्यूचर प्लान शी सेड आई एम ऑन माई वे टू द मार्केट टू सेल मिल्क. देखो कि उसने अपनी भविष्य की योजनाओं को छिपाने में असमर्थ उसने कहा, मैं दूध बेचने के लिए मार्केट जा रही हूँ. द प्राइस शुड इजली फेच मी ए हैन. मीन्स इसकी कीमत से मुझे एक मुर्गी को लाना चाहिए. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इट्स चिक वुड बी सोल्ड. मीन्स इन मतलब अगर मैं एक मुर्गी ले जाऊंगी तो क्या होगा, समय के साथ इसके चूजों को बेच दिया जाएगा. ठीक है, द इनकम दस अर्न्ड शुड बी सफिशियंट इनफ फॉर मी टू बाय ए हाउस. मेरे लिए घर खरीदने के लिए पर्याप्त धन होना चाहिए.
Yes, the same story was repeated to a shepherd some distance away. फिर भी उसने क्या किया, वो उसी तरह से उसी सपने में, मतलब एक फिर थोड़ी सी दूरी के बाद उसने फिर एक सपना लेना शुरू कर दिया. Just to please and harm her, he exclaimed, "How immensely wise and clever of you!" कि उसने क्या करना, खुश करने और मजाक उड़ाने के लिए फिर वही सपना उसने शुरू लेना शुरू कर दिया. क्या था, हाउ एक्सक्लेम्ड, हाउ इमेंसली वाइस एंड क्लेवर ऑफ यू, तुम कितनी बुद्धिमान और चतुर हो. यू सीम टू बी ए स्किल्ड बिजनेस वूमेन, आप एक कुशल व्यवसायी हो. मीन्स उसने अपने आप से ये बातें कर रही थी. द कॉम्प्लीमेंट प्लीज्ड जेन ए लॉट, तारीफ ने जेन को बहुत खुश किया. लॉस्ट इन हर फ्यूचर प्लान्स, शी कुड नॉट कीप हर बैलेंस. मींस जैसे ही वो जेन, मतलब वो क्या कर रही थी, जैसे ही वो ऐसी ऐसी बातें कर रही थी तो उसका क्या था, बैलेंस क्या था, वो बिगड़ गया था. ठीक है, ऑल ऑफ ए सडन, उसी समय शी स्टम्बल्ड एंड फेल ऑन द ग्राउंड. क्या होगा, वो लड़खड़ाई और क्या, ग्राउंड पे, मतलब भूमि पर गिर गई. हर डे ड्रीमिंग had brought a sudden end to all her immediate planning. उसकी दिन भर की चुप्पी की ने उसकी सारी उम्मीदों को तोड़ दिया. उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि वो सपना ले रही थी. सपने में वो इतनी खो चुकी थी कि उसने अपना बैलेंस खो दिया. बैलेंस खोने के कारण वो लड़खड़ाई और उसका, मतलब वो क्या, खुद तो गिरी लेकिन उसका मटका भी क्या था, वो नीचे गिर गया. यह जेन वॉज ग्रेटली सैड व्हेन शी सॉ द ब्रोकन पिक्चर एंड द मिल्क स्पिलिंग ऑल अराउंड. जैन को क्या हुआ, बहुत दुख हुआ जब उसने टूटे घड़े और चारों ओर दूध को देखा. शी वॉज अफ्रेड ऑफ फेसिंग हर मदर एट होम, वह घर पर अपनी माँ का सामना करने से डर रही थी. ठीक है, शी मर्मर्ड टू हर सेल्फ द एडवाइस She had often heard. क्या था, वो अपनी माँ से इतनी डर चुकी थी कि फिर उसको फिर एक उसकी बात याद आई, वह खुद को वह सलाह सुनाती है जो उसने अक्सर सुनी थी. क्या सुनी थी, Never count your chickens before they are hatched. मतलब कभी भी अपने मुर्गियों को गिनने से पहले उन्हें मत गिने, जिनकी हमें कोई अभी कल्पना और जिनकी हमें कोई अभी कल्पना भी नहीं कर सकते. मीन्स देखो वो कितनी आगे पहुंच चुकी थी, पहले मैं मुर्गी खरीदूंगी, फिर उसमें से अंडे निकलेंगे, फिर मैं उन अंडों को बेचूंगी, फिर उससे मेरे को बहुत सारा धन मिलेगा, उससे मैं क्या करूंगी. तो ऐसा कुछ भी नहीं होता बेटा, पहले जो आपने करना है वही करो. ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर. आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया है ना. तो इसकी कुछ एक्टिविटी है तो उससे सॉल्व करना. ओके स्टूडेंट्स.